हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, 290 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और उसका एक और रीजन कल आया था कि कल भैया आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी। तो हाल फिलहाल में जब शेयर इतने कम प्राइस पर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 290 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसका शेयर में 13% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 380 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। देखिए, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर पिछले 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और तब भी मैंने कहा था कि शेयर शायद 280 रुपए के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, उस वक्त मैंने ये कहा भी था। तो जरूर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो 28% की गिरावट है। 550 रुपए का शेयर, आप खुद देखिए, 550 रुपए का शेयर 280-285 रुपए के आसपास गया, फिर बाउंस बैक किया और सीधा पहुंच गया 380 रुपए के आसपास। अब फिर एक बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आई है। रीजन यह है कि आरबीआई की तरफ से कल एक घोषणा की गई थी कि जिन जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, वो पहले क्या था कि उनको छूट दी गई थी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने की उनको छूट दी गई थी कि अगर आपने बैंक से लोन दिया है और अगर आपने बैंक से लोन लिया है और तो आप इस 3 महीने में इंस्टॉलमेंट ना भी भरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक को बोला था कि आप इनको राहत दे दीजिए। अब अगेन इसको एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त तक। सॉरी, अगर हम बात करें तो अब जून, जुलाई और अगस्त तक इसको एक्सटेंड किया गया और 3 महीने तक, मतलब और 3 महीने तक लोग बैंक में अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाएंगे। हालांकि इससे होता यह है कि देखो, जिनको जरूरत है, जिनकी सैलरीज नहीं है, जिनके धंधे, जिनके जो बिजनेस है वो बर्बाद हो रहे हैं, ये उनके लिए काफी बेटर है। लेकिन साथ साथ जिनके जिनके पास पैसा आ भी रहा है, जिनका बिजनेस चल भी रहा है, वो लोग भी यहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि भैया आरबीआई ने खुद बोला है कि जरूरी नहीं है कि आप पे करो ही करो। तो लोग क्या करेंगे, उस पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के तौर पर। तो मैं यही एक बहुत बड़ी रीजन है कि आप खुद सोचिए कि जब बैंक के पास पैसा आएगा ही नहीं नेक्स्ट 3 महीने तक, जो बैंक ने लोन बांट के रखा है, और सिर्फ ये आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं है, सारी बैंक्स, जिन जिन बैंक्स ने लोन बांटा है उन सारी बैंक्स को नेक्स्ट 3 महीने तक बहुत ही कम पैसा आएगा, बहुत ही कम पैसा आएगा, ना के बराबर पैसा आएगा जो जो लोन्स उन्होंने बांट के रखे हैं उसके, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और बढ़िया बैंक है शॉर्ट, और अगर देखा जाए तो भैया दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ये, दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक बैंक, सॉरी प्राइवेट बैंक हम कह सकते हैं एचडीएफसी के बाद। तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, लार्ज कैप स्टॉक है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 8 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड था, 8 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई होल्डिंग कम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपनी होल्डिंग कम कर रही है। एफआईआई के पास पहले जो 45.79% की होल्डिंग थी, अब वो 43.70% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 25.98% की होल्डिंग थी, अब वो 27.61% की होल्डिंग हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 15.14% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 14.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 11.31% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 50 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा यहाँ पर लगाया है, 1115 एफआईएल यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 8.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 7.54% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 50% का डिविडेंड भी ये पे कर है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया हाल फिलहाल में ही ये कल ही ये न्यूज आई है, तो आने वाले कुछ दिनों तक इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा और बैंकिंग शेयर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होता हुआ आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। पी 23.76 है, इंडस्ट्री पी 20 के आसपास है, बुक वैल्यू 162 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.79 है, ईपीएस 12 के आसपास और डिलीवरी 27 के आसपास देखने को मिली है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार रहा है। मार्च के नतीजे भी कुछ बुरे नहीं थे, अच्छे ही थे। मार्च का जो क्वार्टर के जो नतीजे थे उसमें 1,613 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जबकि दिसंबर में 5,114 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 1,585 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 2,900 करोड़ और मार्च में 1,527 करोड़। तो हर क्वार्टर में बैंक ने पैसा कमाया है, एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है कि बैंक ने लॉस किया हो पिछले 5 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया परफॉर्मेंस बैंक का यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिला है। और तो और अगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया क्या करे क्या करे, खरीदारी की है तो क्या करे और फ्रेश बाइंग करनी है तो क्या करे, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की है और आप लॉस में हो तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होने वाला है और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स भी आने वाले दिनों में थोड़े बहुत आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखिए जो बड़े बैंक से वो सर्वाइव कर जाएंगे, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया। दिक्कत आएगी छोटे बैंक में, जो छोटे बैंक है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होने वाली है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि उनके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है छोटे बैंक के पास, जबकि जो बड़े बैंक है उनके पास पैसा भी काफी सफिशियंट है और अगर हम बात करें तो भैया उनके पास जो प्लान्स है वो भी काफी बेहतर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो पैनिक क्रिएट हो पहले हुआ था यस बैंक की क्राइसिस के बाद, और अभी जो बैंकिंग का जो पैनिक क्रिएट हो रहा है इससे क्या होगा, उसे छोटे बैंक बर्बाद क्यों होंगे, तो उसका सबसे पहला रीजन यह है कि लोग अपना जो पैसा है, खास करके जब से यस बैंक का क्राइसिस हुआ था, लोगों ने अपना पैसा छोटे बैंकों से निकालकर बड़े बैंक में लोग ट्रांसफर करने लग गए थे। इससे क्या हुआ कि बड़े बैंक की जो डिपॉजिट्स थी वो बढ़ गई थी, जैसे कि HDFC बैंक की डिपॉजिट इंक्रीज हुई थी, इवन ICICI बैंक के भी डिपॉजिट काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। और सबसे ज्यादा नुकसान जिनको हुआ था वो है RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, ये वो बैंक है जो छोटे बैंक माने जाते हैं और इनकी डिपॉजिट्स हैं वो सडनली नीचे गिर गई थी। तो इस क्राइसिस से उन बैंक के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन जो बड़े बैंक हैं HDFC और ICICI उसमें शॉर्ट टर्म की गिरावट जरूर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर रिकवर जरूर कर जाएगा, लॉन्ग टर्म में रिकवर जरूर कर जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि क्राइसिस में आपको समझना होगा कि बैंकिंग सेक्टर पर क्यों इतना दबाव पड़ रहा है। पहली चीज कि लोन्स जिनको दिए हैं उससे इंस्टॉलमेंट आ नहीं रही है और आने वाले और 3 महीनों तक आएगी भी नहीं, तो एक पहला इनके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन पड़ा है। दूसरा, COVID-19 के चलते जो छोटे बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं उससे बैंक को भी असर पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसेस की जो बैलेंस शीट है वो खराब हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि जो बिजनेस मान लीजिए कि बहुत सारे छोटे बिजनेस है जिनका अकाउंट ICICI बैंक में है और हर महीने उनके अकाउंट में कुछ लाख रुपए के आसपास या उससे भी ज्यादा पैसा डिपॉजिट होता था, अब क्या हो रहा है कि बिजनेस बर्बाद हो गया तो वो डिपॉजिट भी कम हो गई, और तो और अब ये है कि उसको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसने जो पैसा बैंक में सेव करके रखा है वो उसको निकालेगा बैंक से और अपना घर चलाएगा। सेम चीज जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी नौकरियां जा चुकी, काफी लोगों की नौकरियां तक तो जा चुकी है, तो वो सरवाइव कैसे करेंगे, उन जिन लोगों का ICICI में अकाउंट है और टाइम पर उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी, मतलब बैंक में पैसा वो आ रहा था, अब क्या होगा कि भैया सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही, मतलब बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं जा रही है और उसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक में तो डिपॉजिट हो नहीं रही है, वो क्या करेगा, अपने अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको वो निकालेगा और अपना घर चलाएगा। तो एक बहुत बड़े क्राइसिस बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो छोटे बैंक है वो बर्बाद होंगे और जो बड़े बैंक है उसमें गिरावट आएगी, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, याद रखिए ये बड़े बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इनके पास इतना इनफ पैसा होगा कि ये लोग सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुझे लगता है कि ICICI बैंक 180 रुपए तक जा सकता है, तो अगर आपने खरीदारी करने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा होल्ड पे रखिएगा, जल्दबाजी मत करिए खरीदारी करने की। 180 के लेवल पर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन SIP मोड में, जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर आप 280 के लेवल पर खरीदे, और 180 नहीं 280 तक ये शेयर जा सकता है, तो आप 20 शेयर 280 रुपए के लेवल पर खरीदे,
बाद में वेट करें, अगर शेयर 260 तक जाता है तो और 20-25 शेयर लगा दीजिए, अगर शेयर 250 तक जाता है तो और 20-25 शेयर लगा दीजिए, और अगर शेयर वापस 240 230 तक जाता है तो और बाकी के शेयर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, एसआईपी मोड में ही खरीदारी करिए, एक साथ सारे का सारा शेयर खरीदने की गलती मत करिए, क्योंकि भैया बॉटम कहाँ है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ 1-1.5 साल तक अगर आप इसमें निवेशित रहेंगे तो जरूर ये शेयर आपको 400 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ जरूर दिख जाएगा, जरूर ये शेयर आपको दिख जाएगा उस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि बढ़िया बैंक जरूर है, लेकिन एसआईपी मोड में खेले और गिरावट आएगी तो उसके लिए प्रिपेयर भी रहिएगा आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।